मिलिट्री की नौकरी का सत्यानाश किसने किया? फूलने अब समय आ गया है, अब सत्यानाश काय को करेंगे। फूल को तैयार है, ऐसे हो गए तैयार हो। ये ज्वाला निकलेगी तब इसका सत्यानाश होगा। सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी, सम्माननीय मंच, मेरे सामने उपस्थित सभी भाई बहन बुजुर्ग नौजवानों और जांबाज शेरों, समय नहीं है बोलने के लिए, बोलना तो बहुत कुछ था। हल्ला मचाओगे तो क्या करोगे, हल्ला मचाओगे तो जीवन में क्या हासिल करोगे, फिर गुलामी के जंगलों में फंस जाओगे। आप सुनना तो सीखिए। अगर हम बोल रहे हैं तो जरा सुनिए। मैं बसपा पार्टी से बात करना चाह रहा हूं। बसपा पार्टी अगर बीजेपी का और नहीं, बसपा पार्टी बसपा के कैंडिडेट को वोट देगी तो फायदा बीजेपी को होगा, और बसपा का कैंडिडेट जीता तो जीतने के बाद बीजेपी में जाएगा। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? तो बसपा के लोगों ने बसपा छोड़ के गठबंधन में आ गए हैं, उनका स्वागत करता हूं। और भाई अग्निवीर पे जो बोलना चाह रहा हूं, पहले जो मिलिट्री की जो अग्निवीर योजना थी, अग्निवीर योजना का नाम जो आर्मी की नौकरी थी, वो 17 वर्ष 15 साल में पेंशन मिलती थी, अब 18 साल में भर्ती है जाऊ, 22 साल में रिटायर है जाऊ, न वर्तमान न भविष्य। मिलिट्री की नौकरी का सत्यानाश किसने किया? फूलने अब समय आ गया है, अब सत्यानाश काय को करेंगे। फूल को तैयार है, ऐसे हो गए तैयार हो। ये ज्वाला निकलेगी तब इसका सत्यानाश होगा, वरना अभी चूके तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो भी भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं, इन भ्रष्टाचारियों के सींग भौतरे करने हैं तो गठबंधन को जिताइए, और करदम जी है यहाँ, करदम जी को जिताएंगे। अरे सुन तो रहा, करदम जी को जिताएंगे, जे तुम्हारे काम है करेंगे, पहले जिताई लो, और काम नहीं करे तो मेका जब फोन कर दियो, काम जब रही तो कराए हम जानते जिनते। और सुन लो, लोकसभा, अब हल्ला मत करे यार, प्लानिंग सुन लो, लोकसभा फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहा हूँ, रामनाथ को अगर सांसद बनाए तो ये भ्रष्टाचारी अन्यायी अत्याचारी को सुनाई नहीं देता है, रामनाथ को सांसद के रूप में ऐसा तेल तैयार करा रहे कि तेल दिन के कान में डरेगा तो सुनाई देगा। नंबर दो, रामनाथ शिकरवार को सांसद बनाया तो एक ऐसा सुरमा तैयार कर रहे हो जो भ्रष्टाचारी अत्याचारी बेईमान सार लफंगे आपको दिखाई नहीं दे रहे, उनको जिनको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा, ये सुरमा जिनकी आंख में ले लो तो दिखाई देने लग जाएगा। अब मुझे इशारा हो गया है बात बंद करने का, लास्ट में इतना कह के जा रहा हूं, 7 तारीख को धुआंधार वोटिंग करो, और आपको जो लूटने वाले हैं जिनकी ऐसी की तैसी।